मीनाक्षी, आज एक ऐसा दिन है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, क्योंकि अयोध्या में आज भी उसके लिए खौफ देखा जाता है, एक अजीब सी दहशत वहां रहती है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की याद अयोध्या के जहन में बेचैनी पैदा कर रही है। राम की नगरी अयोध्या छावनी में तब्दील है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। आज सुबह अयोध्या में क्या हालात थे, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। छह दिसंबर की ये तारीख जब भी सामने आती है, अयोध्या की रूह कांप उठती है। 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, उस दिन की तस्वीरें देश की जेहन में कौदने लगती है। आज फिर से 6 दिसंबर की वो तारीख आई तो अयोध्या का वो मंजर याद आया। अयोध्या छावनी में तब्दील हो चुका है, पूरा शहर पीएससी आरएएफ के हवाले है। 6 कंपनी पीएससी, 2 कंपनी आरएएफ, 4 एएसपी की तैनाती है ताकि सुरक्षा को लेकर कोई चूक न रह जाए। अयोध्या के प्रवेश द्वार पर ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जिले में धारा 144 लागू हो गई है। नहीं, 6 दिसंबर को लेकर के अभी आयुक्त महोदय, डीआईजी महोदय, एसएसपी साहब और जिलाधिकारी महोदय के साथ कई बार बैठक हो चुकी है और हमको डीआईजी साहब ने अपने रेंज के जिलों से और डीजी कार्यालय से, डीआईजी एलओ साहब की तरफ से पर्याप्त फोर्स मिली हुई है और किसी को भी, क्योंकि धारा 144 जनपद फैजाबाद अयोध्या, जनपद अयोध्या फैजाबाद में लागू है, तो किसी को भी बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए गैर परंपरागत काम करने नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी संगठन दल से संबंधित हो। इस अयोध्या का आज आप दो चेहरा साफ साफ देख सकते हैं। बाबरी मस्जिद का निशान खत्म हो गया लेकिन मजहबी जख्म के निशान नहीं भर पाए हैं। बीजेपी अयोध्या के कार सेवक भवन में शौर्य दिवस मना रही है। उधर अयोध्या के मुसलमान आज मातम मना रहे हैं। इकबाल अंसारी के घर मुसलमानों का काला दिवस चल रहा है। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, इतिहास का दस्तावेज है। किसी मुल्क को कैसे मजहब लहूलुहान कर देता है, इसकी मिसाल ढूंढना हो तो अयोध्या के पन्ने पलट लीजिए। ये आज की ये तस्वीरें देख लीजिए। अयोध्या में कुमार अभिषेक के साथ आनंद पटेल, आज तक। सोनाक्षी, एक बार फिर से अयोध्या का रुख करेंगे क्योंकि सुरक्षा के मसले पर हमने जब एसपी सिटी से बात की तो पुलिस का यह दावा था कि कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, जान माल का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको सीधे अयोध्या से ही दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है, क्योंकि ये वो दिन है जिसे हर साल इतने ही एहतियात से मनाया जाता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, लेकिन फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।